देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में गर्मियों के दौरान पानी की समस्या को देखते हुए स्थानीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 10 गांवों के लिए पानी के टैंकर अपनी विधायक निधि से उपलब्ध करवाए। मंत्री कमल पटेल ने इस दौरान स्वयं टैंकर भी चलाया। इन पानी के टैंकरों से गांव वासियों को पानी की सुविधा के साथ मवेशियों के लिए भी पानी का इंतजाम करना आसान हो जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 10 हरदा विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों से सरपंच, सचिव और ग्रामीण को बुलाकर उन्हें फूल माला पहनाकर टैंकर वितरण किए, जिससे ग्रामीण को गांव में ही मूलभूत सुविधाएं मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को टैंकर मिलने से गांव में शादी विवाह में पानी की सुविधा और अगर गांव या आसपास के इलाकों में आगजनी की घटना हो जाए तो टैंकर के माध्यम से उस पर भी तत्काल अंकुश लगाया जा सकेगा। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में कृषि मंत्री का क्या कहना है। आज 10 ग्राम पंचायत में 10 टैंकर विधायक निधि से मैंने वितरित किए हैं, जिससे गर्मी के समय पीने का पानी और मवेशियों को भी हौज में भरने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये बहुत ही आवश्यक था, ग्राम पंचायत और गांव की मांग थी, उनकी मांग पर मैंने ये टैंकर उनको आज प्रदाय किए। सभी 10 ग्राम पंचायतों को, वहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं पब्लिक फर्स्ट हरदा संवाददाता सुनील कुशवाहा से। सुनील जी, अभी गर्मी पूरी तरह परिवहन पर है, लेकिन अभी से ही हरदा में क्या पानी की किल्लत महसूस की जा रही है? जी साक्षी, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री का सपना था जो नल जल योजना के जो चलाया हमने, जल जीवन मिशन, उसको लेकर हरदा जिले में 145 पानी की टंकियां बनाने का लक्ष्य था हरदा जिले का। जी बताइए। जिस पर अभी तक मात्र 54 टंकियां ही बन पाई है जी, और बाकी जो है 45 टंकियां निर्माणधीन है, उसके अलावा 54 टंकियां जो बची हुई टंकियां उस पर भी काम चालू नहीं हुआ है। इस पर हरदा के अधिकारियों का कहना है कि हमें टंकी बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है और कहीं पानी की समस्या, यहाँ बोर नहीं हो पा रहा है, ये सारी समस्याओं को लेके एक बार बैठक भी हो चुकी है। अभी 3 तारीख को जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी आए थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर गंभीरता जताई थी। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द ये सारा मिशन पूरा किया जाएगा और उन्होंने जो निर्माणधीन टंकियां हैं, जो काम रुका हुआ है, उसको पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसमें अधिकारियों को इसमें फटकार भी लगाई थी जल संसाधन विभाग के माध्यम से। और इसके अलावा अभी आज जो 10 टैंकर बटे हैं, वो जो आसपास के गाँव है हरदा विधानसभा क्षेत्र के 10 गाँव है, उन्हीं को मिल पाई है टैंकर। बाकी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी तक पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जी जी सुनील, क्या हरदा में नल जल योजना के जरिए लोग तक पानी नहीं पहुंच रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ गांव में मिल पा रहा है, बाकी जिले के 154 जैसे मैंने बताया 154 गांव है जहां पे टंकियां बननी है, जहाँ पानी की अधिक समस्याएं हैं, तो उन लोगों को अभी भी पानी के लिए किल्लत महसूस हो रही है और पानी के लिए लंबी लंबी दूरी से खेतों से पानी लाना पड़ रहा। कुछ लोगों को मतलब गांव से लगभग 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आना पड़ रहा उन लोगों को। उनका भी अभी मतलब कई बार शहर में लोगों ने कलेक्टर में आकर आवेदन भी दिए पानी को लेके कि गांव में पानी नहीं है, ना हैंडपंप है, ना कोई पीने की व्यवस्था है। और ऐसे गाँवों में टंकी की व्यवस्था जो सरकार ने की है कि टंकियां बनेगी, मतलब 2019 से बनना चालू हुई टंकियां जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और बहुत सी जगह पे ऐसी है जहाँ मतलब जमीन मिली नहीं लोगों को, ना अभी मांग टंकी बनने का कोई अभी दिख रहा है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी इस जानकारी के लिए।
तो मंत्री कमल पटेल ने अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरों से पेंट पानी के टैंकरों को गांव गांव तक पहुंचा तो जरूर दिया, लेकिन वह खुद ही अपनी सरकार की नल जल योजना की कामयाबी पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में गर्मियों के दौरान पानी की समस्याओं को देखते हुए स्थानीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 10 गांवों के लिए पानी के टैंकर अपनी विधायक निधि से उपलब्ध कराए हैं। मंत्री कमल पटेल ने इस दौरान स्वयं टैंकर भी चलाया। इन पानियों के टैंकरों से गांव वासियों को पानी की सुविधा के साथ मवेशियों के लिए भी पानी का इंतजाम करना आसान हो जाएगा। तो मंत्री कमल पटेल ने अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरों से पेंट पानी के टैंकरों को गांव-गांव तक पहुंचा तो जरूर दिया, लेकिन वह खुद ही अपनी सरकार की नल जल योजना की कामयाबी पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी हरदा से। पब्लिक फर्स्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।